रहमान रहीम, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एंडोक्राइनोलॉजी फ्रॉम रफ़ी गोल्डन फाइल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू पॉइंट है लाइपोजेनेसिस ग्लाइकोलिसिस, ये किस हार्मोन का फंक्शन होता है? ओके, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। अब यहाँ पर कुछ हार्मोन का डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन दोनों एनाबोलिक हार्मोन होते हैं, जबकि थायराइड हार्मोन और कॉर्टिसोल ये कैटाबोलिक हार्मोन होते हैं। सबसे पहले इंसुलिन का पढ़ लेते हैं। इंसुलिन एक एनाबोलिक हार्मोन है। एनाबोलिक हार्मोन का मतलब है ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रिजर्व्स को बढ़ा देती है। यानी इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर देती है। क्लियर? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देती है, ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा देती है। स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू इसमें ग्लूट फोर रिसेप्टर को एक्सप्रेस कराती है, वहाँ पे ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा देती है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देती है, ग्लाइकोजेनेसिस करवा देती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट कर देती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देती है। तो यह था कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म पर इफेक्ट। इंसुलिन का प्रोटीन मेटाबोलिज्म पे क्या होता है? इंसुलिन ने प्रोटियोलाइसिस को इनहिबिट करना है और प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देना है। अब फैट पे क्या इफेक्ट होता है? इंसुलिन ने लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करना है, कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन को इनहिबिट करना है, और फैट्स का क्या करना है? लाइपोजेनेसिस को बढ़ा देना है। क्लियर? तो लाइपोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस ये इंसुलिन का फंक्शन होता है। ग्रोथ हार्मोन ये भी एनाबॉलिक हार्मोन होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आपने तैयार करना है? ओके, जो इंसुलिन होती है वो क्या करती है? ग्लूकोज लेवल को कम करती है। ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज की अपटेक को कम कर देता है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है। एंड ग्रोथ हार्मोन इज डायबिटोजेनिक हार्मोन। ओके, अगला जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन में, जो इंसुलिन होती है लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करती है, कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन को कम कर देती है। ग्रोथ हार्मोन लाइपोलाइसिस करवाता है, कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, बाकी प्रोटीन के सिंथेसिस दोनों करवाते हैं। ग्रोथ हार्मोन लीन बॉडी मास को बढ़ा देता है। इसके बाद है एडीएच। एडीएच V1 और V2 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है। जो V1 रिसेप्टर होते हैं वास्कुलर स्मूथ मसल के ऊपर पड़े हुए होते हैं और ये वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हैं लाइक टर्लीप्रेसिन। और जो V2 होता है ये आपके किडनी के जो होते हैं कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स होते हैं। लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, वहाँ पे वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है, एक्वापोरिन्स की इंसर्शन करवा देता है। इसके बाद एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? एल्डोस्टेरोन ने सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन करानी है और पोटेशियम की सिक्रेशन करानी है। ये भी प्रिंसिपल सेल के थ्रू होता है, यानी प्रिंसिपल सेल तीन काम कर रहे हैं। सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच, पोटेशियम को सिक्रीट कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। सॉरी, मिस्टेक कर दी मैंने। प्रिंसिपल सेल सोडियम को रीअब्सॉर्ब करते हैं, पोटेशियम को सिक्रीट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। इसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन है सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन करता है, पोटेशियम की सिक्रीशन करता है और हाइड्रोजन की भी सिक्रीशन कराता है। ये इंटरकलेटेड सेल के थ्रू होती है। इसके बाद थायराइड हार्मोन है। जो थायराइड हार्मोन होता है ये भी ओवरऑल कैटाबॉलिक हार्मोन होता है। ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस दोनों को बढ़ा देता है, लाइपोलाइसिस को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ये क्या होता है? कैटाबॉलिक होता है। बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को क्या कर देता है? बढ़ा देता होता है, यानी ग्लूकोज वगैरह प्रोड्यूस करा देता है। जो थायराइड हार्मोन होते हैं बोन की मैच्योरेशन करते होते हैं, स्पेसिफिकली जो थायरोक्सिन होता है ये कोंड्रोसाइट को ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट करा देता होता है। वैसे ये फंक्शन उसका ग्रोथ हार्मोन का भी होता है। इसके अलावा सीएनएस की मैच्योरेशन भी ग्रोथ थायराइड हार्मोन की वजह से होती है। जो थायराइड हार्मोन होता है बीटा वन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, दैट इज वाई कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है। दैट मींस अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया तो हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो जाएगा। इसके अलावा ये अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कराता है, यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर? जो कॉर्टिसोल होता है वो क्या करवाता है? कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। तो ओवरऑल ये कैटाबॉलिक हार्मोन होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, डायबिटोजेनिक होता है। इसके अलावा लाइपोलाइसिस को भी बढ़ा देता है, ग्लूकोज के अपटेक को कम कर देता है। जो कॉर्टिसोल होता है प्रोटीन के जो एक्स्ट्रा हिपैटिक प्रोटीन है, यानी जो लीवर से बाहर जा भी प्रोटीन होती है स्केलेटल मसल में, उनकी कैटाबॉलिज्म करता है। जब प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होती है तो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं, वो अमाइनो एसिड लीवर के पास जाएगी और लीवर उसको प्रोटीन में बना देगा। तो जो कॉर्टिसोल होता है ये एक्स्ट्रा हिपैटिक प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म कराता है और इंट्रा हिपैटिक प्रोटीन की एनाबॉलिज्म कराता होता है, और दिस इज द स्ट्रेस हार्मोन। क्लियर?
तो ऑलमोस्ट मैंने सारे एमसीक्यूज पॉइंट बता दिया है। तो वो कौन सा हार्मोन है जो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की स्टोरेज करवाता है? वो इंसुलिन होती है। कीटोजेनेसिस कब होगी? जब इंसुलिन नहीं होगा कीटोन बॉडीज आएगी, जब इंसुलिन होगा तो कीटोन बॉडीज नहीं होगी। दैट इज वाई DKA डायबिटिक कीटोसिडोसिस में इंसुलिन नहीं होता तो कीटोन बॉडीज में नहीं होती, लेकिन हाइपरोस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा में इंसुलिन होती है, कीटोन बॉडीज नहीं होती। कौन सा हार्मोन हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट करता है, इन शॉर्ट लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करता है? वो इंसुलिन ही होता है। अब ग्रोथ हार्मोन के पढ़ लेते हैं। ओके, अब ग्रोथ हार्मोन की अगर सिक्रेशन को बढ़ाना है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा हाइपोथैलेमस से, और अगर ग्रोथ हार्मोन को कम करना है तो सोमैटोस्टैटिन आएगा। तो जो सोमैटोस्टैटिन होता है वो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, और जो सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है वो ऑक्ट्रियोटाइड होता है, वो एक्रोमिगैली में और इसोफेजियल वायरसेस में इस्तेमाल होता है। तो इंसुलिन की रिलीज को भी कौन इनहिबिट करता है? सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन आपका यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ सिक्रेशन होता है, हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। दैट इज वाई दिस इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमिगैली, कार्सिनॉइड सिंड्रोम, इंसुलिनोमा, ग्लूकागोनोमा और इसोफेजियल वायरसेस। एक पेशेंट है जिसको एब्डोमन में पेन है और पेनक्रियाटिक फिस्चुला प्रेजेंट है, आपने सोमैटोस्टैटिन दिया, सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा? सोमैटोस्टैटिन सिक्रीशन को कम कर देगा जो फिस्टुला से हो रही है। सोमैटोस्टैटिन बीटा सेल पे काम करता है बाय पैराक्राइन एक्शन। पैराक्राइन का क्या मतलब होता है? ओके, पैराक्राइन का मतलब है एक सेल से प्रोड्यूस हुआ और उसके साथ वाले सेल पे जाके एक्शन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पेनक्रियाज में अल्फा सेल होते हैं जो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और डेल्टा सेल होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? सोमैटोस्टैटिन। और डेल्टा सेल तो करीब ही पड़ा हुआ है इसके, डेट इज वाई पैराक्राइन एक्शन के जरिए काम करता है। इसके बाद इम्यूनो स्टिमुलेटरी हार्मोन इम्यून सिस्टम को कौन सा एक्टिवेट करता है बिफोर प्यूबर्टी? खास तौर पर वो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है। फीटल ब्रेन मैच्योरेशन और स्केलेटल मैच्योरेशन, इसके लिए थायराइड हार्मोन चाहिए। ओके, कौन सा हार्मोन एनाबॉलिक होता है? प्रोटीन पर, लेकिन फैट्स पे कैटाबॉलिक होता है, मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाएगा लेकिन फैट्स को तोड़ेगा, तो वो ग्रोथ हार्मोन होता है। दैट इज वाई लीन बॉडी मास बढ़ जाता होता है। इसके अलावा कौन सा ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होता है? बाई सोमैटोमीडियंस। ठीक हो गया, सोमैटोमीडियंस क्या होते हैं? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन होते हैं। ग्रोथ हार्मोन लीवर पे जाके बाइंड करता है, वहां से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन है यह उल्टा ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम कर देते हैं। क्लियर? इसके बाद वो कौन सा हार्मोन है जो स्लीप टाइम पे इंक्रीज होता है? ओके, और जब आप जागे भी होते हो तब कम होता है, तो वो कॉर्टिसोल होता है। ठीक हो गया, अगर ये ऑप्शन सॉरी ग्रोथ हार्मोन होता है। क्लियर? ग्रोथ हार्मोन होता है, लेकिन कुछ पेपर में कॉर्टिसोल भी लिखा हुआ है। लेकिन जो कॉर्टिसोल होता है इसका लेवल जब आप सुबह सुबह उठते हो उस वक्त ज्यादा होता है, रात के वक्त कम होता है। ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कब ज्यादा होती है? जब स्ट्रेस होता है, फास्टिंग होती है, एक्सरसाइज होती है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ओके, यानी इसकी सिक्रेशन हाइपोग्लाइसीमिया से बढ़ती है, एक्सरसाइज से बढ़ती है, नॉन REM स्लीप से और REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप से बढ़ती है। क्लियर? डिप्रेशन को ठीक करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? तो वो थायरॉक्सिन होता है। डैट इज वाई हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो डिप्रेशन हो जाता होता है। अब मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल, तो जो थायराइड हार्मोन होते हैं मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, सोडियम पोटेशियम ATPS पंप इसके सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं जो कि प्रोटीन होता है। इसके बाद है एंटी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, वो कौन सा हार्मोन है जो GnRH को इनहिबिट करता है और रात के वक्त प्रोड्यूस होता है? तो वो मेलाटोनिन होता है। GnRH को इनहिबिट करने वाला प्रोलैक्टिन भी होता है। क्लियर? ठीक हो गया, लेकिन जो मेलाटोनिन होता है ये रात के वक्त प्रोड्यूस होता है, पाइनियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। इसके बाद है ट्राइग्लिसराइड इन द प्लाज्मा और हाइड्रोलाइज बाय, यानी जो ट्राइग्लिसराइड होती है इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए लाइपोप्रोटीन लाइपेज होता है। इस एंजाइम को बढ़ाने वाला ग्रोथ हार्मोन होता है, इस एंजाइम को कम करने वाला इंसुलिन होता है। कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी किस हार्मोन से अफेक्टेड होती है? वो ग्लूकागोन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है, ग्लूकागोन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता होता है। थर्मोजेनिक हार्मोन जो होता है, थर्मो मीन हीट, जेनिक मीन प्रोडक्शन, तो इसने प्रोजेस्टिरोन लिखा है, वैसे बेस्ट आंसर होना चाहिए थायरोक्सिन। वो कौन सा हार्मोन है जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है लीवर के अंदर? हार्मोन कॉजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लीवर, और ये प्रोड्यूस होता है प्रिंसिपल सेल्स ऑफ थायराइड से। जो थायराइड के जो प्रिंसिपल सेल्स होती है इन्होंने थायरोक्सिन प्रोड्यूस करना है, और थायरोक्सिन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा देनी होती है। क्लियर? जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा तो किसका लेवल कम हो जाएगा? अमाइनो एसिड का लेवल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ने अमाइनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करा देना है। बोन
की ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता होता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन भी कंट्रोल करती है। वो कौन सा हार्मोन है जो प्रोटीन की एनाबोलिज्म कराता है लीवर के अंदर, लेकिन लीवर से बाहर प्रोटीन की कैटाबोलिज्म कराता है? वो कॉर्टिसोल होता है, हार्मोन जो कि कार्डिक मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। एपिनेफ्रीन और ग्लूकागोन होते हैं। एडिपोज टिश्यू पे इंसुलिन का क्या एक्शन होता है? ओके, लाइपोप्रोटीन लाइपेस को बढ़ा देती है इंसुलिन। अभी तो पहले हमने यहाँ पे यह पढ़ा था, विच हार्मोन इनिबिट हार्मोन, अच्छा सॉरी, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइपोप्रोटीन लाइपेस और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस। ओके ठीक हो गया, लाइपोप्रोटीन लाइपेस और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस। ओके अच्छा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस ये कंट्रोल होता है उससे इंसुलिन वाले से, इंसुलिन से इनिबिट होता है, लेकिन इंसुलिन लाइपोप्रोटीन लाइपेस को बढ़ा देती है। लाइपोप्रोटीन लाइपेस क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम होता है, वो कोर्टिसोल से होता है। डैट इज वाई कोर्टिसोल इज एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन। अब जो कोर्टिसोल होता है लिम्फोसाइट को कम करता है, इओसिनोफिल को कम करता है, न्यूट्रोफिल को बढ़ा देता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल की अढ़ियन को कम कर देता है, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिलिया होगा, लिम्फोपिनिया होगा, इओसिनोपिनिया आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ओवरऑल वो कोर्टिसोल होता है। इंक्रीज इन लिम्फोसाइट प्रोडक्शन, लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन बढ़ गई है। ओके, एंड टर्नओवर यानी जो इम्यून सिस्टम की मैच्योरेशन होती है वह थायराइड हार्मोन कंट्रोल करते हैं और वह प्रिंसिपल सेल्स से प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, वो कौन सा हार्मोन है जो साइक्लिक एएमपी के जरिए काम करता है? अब यहाँ पे सारे हार्मोन के मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, ये सेकंड मैसेंजर वाले, जो साइक्लिक एएमपी के जरिए जो काम करते हैं उसका मिमोनिक है फ्लैट चैंप। ओके, फ्लैट, एफ से FSH, एल से LH, ए से ACTH, टी से TSH। ये जो फ्लैट है ये मिमोनिक उसके लिए भी था, बेसोफिल सेल्स जो हमारे पिचोट्री के होते हैं ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। मिमोनिक है फ्लैट चैम्प। सी से CRH, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, HCG, ADH, PTH। इसमें FSH, LH, TSH और बीटा HCG ये वो हार्मोन है जो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। इसके बाद IP3 डैग सिस्टम के जरिए कौन से काम करते हैं? इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट मैकेनिज्म के जरिए, तो इसका मिमोनिक है गोट हैग। ओके, जी से GnRH, ये IP3 के जरिए काम करता है। ओके, गोट, जी से GnRH, ओ से ऑक्सीटोसिन, ए से ADH, टी से TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हिस्टामिन का V1 रिसेप्टर, ए से एंजियोटेंसिन 2, जी से गैस्ट्रिन। इसके अलावा वो कौन से हार्मोन है जिनका स्टीरॉयड हार्मोन मैकेनिज्म होता है, मतलब इनके रिसेप्टर सेल के अंदर पड़े होते हैं? अगर न्यूक्लियस पे पड़े हो तो वो होता है थायरोक्सिन और विटामिन डी, और अगर आपके साइटोसोल के अंदर पड़े हुए हो तो आपका प्रोजिस्टिरोन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टिरोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टिरोन आ जाता है। मिमोनिक है पैट कैट ऑन टीवी, पैट कैट ऑन टीवी। पी से प्रोजिस्टिरोन, ई से ईस्ट्रोजन, टी से टेस्टोस्टिरोन, सी से कॉर्टिसोल, ए से एल्डोस्टिरोन, टी से थायराइड हार्मोन, वी से विटामिन डी। इसके अलावा वो कौन से हार्मोन है जो टायरोसिन काइनेस के जरिए काम करते हैं, ये सारे ग्रोथ करवाते होते हैं, लाइक इंसुलिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। ओके, तो इसका मिमोनिक है इंक्लूड्स ग्रोथ प्रोडक्ट, इंसुलिन, IGF-1, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन ये दोनों एसिडोफिलिक सेल से प्रोड्यूस होते हैं, या इसका मिमोनिक पिग से भी रट्टा मार सकते हो, पिग, पी से प्रोलैक्टिन, आई से इंसुलिन और IGF-1 और जी से ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद है वो कौन से हार्मोन है जो साइक्लिक GMP के जरिए काम करते हैं, मिमोनिक है बैड। ओके, बैड, BAD, बी से BNP, ए से ENP और ई से क्या होगा, एपिडर्मल, सॉरी एंडोडर्मल, एंडो बल्कि एंडोथीलियल डिराइव रिलैक्सिंग फैक्टर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। क्लियर, अब हम प्रैक्टिस करते हैं, वो कौन सा हार्मोन है जो साइक्लिक GMP के जरिए काम करता है, वो ENP, BNP और कौन सा होता है आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। कौन सा हार्मोन साइक्लिक AMP के जरिए काम करता है, मिमोनिक है फ्लैट चैम्प। ओके, कौन स्टीरॉयड हार्मोन टारगेट सेल पे जाके बाइंड करते हैं, बाय द एक्टिवेशन ऑफ जीन्स। ओके, न्यूक्लियर रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवा देते हैं। साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर काम करता है थ्रू द रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के जरिए। अगर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, फॉस्फोलाइपेज ए की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, ओके, तो ये कैल्शियम को रिलीज कराती है, IP3 डैग मैकेनिज्म होता है। इसके बाद है अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन हो, ओके, तो फिर किसकी फंक्शनिंग कम हो जाएगी, तो वो जोना फेसिकुलेटा की
कम हो जाती है, जबकि जोना ग्लोमेरुलोसा वो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। इसको समझना है कैसे, एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है ACTH, जो ACTH होता है वो कहाँ पे जाके काम करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाके काम करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स के तीन पार्ट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, मिमोनिक है GFR। ओके, अब जो जोना ग्लोमेरुलोसा है उससे एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होना है, जोना फेसिकुलेटा से कोर्टिसोल आना है, जोना रेटिकुलरिस से एंड्रोजन्स आने हैं, क्लियर। लेकिन जो एल्डोस्टेरोन होता है ये प्राइमरीली कंट्रोल होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से, जबकि जो कॉर्टिसोल और जो एंड्रोजन होते हैं डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिनोन और एंड्रोस्टेनी डायोन, ये कंट्रोल होते हैं ACTH से। दैट इज वाई अगर ACTH का लेवल कम हो या ज़्यादा हो वो कॉर्टिसोल को अफेक्ट करेगा, एल्डोस्टेरोन को नहीं करेगा। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, और जो एल्डोस्टेरोन होता है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे डिपेंड करता है, जबकि जोना फेसिकुलेटा से कॉर्टिसोल आना है और वो ACTH पे डिपेंड होता है, क्लियर। इसके बाद जो कॉर्टिसोल होता है ये फिजियोलॉजिकली दो हार्मोन की सिंथेसिस को बढ़ा देता है, एक ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन, और ये तीनों मिलकर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते होते हैं। जो मेन स्टीरॉयड है जो फीटल एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है उसका नाम है डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेनी डायोन, ठीक हो गया, दिस इज द मेन स्टीरॉयड डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेनी डायोन। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH होता है, LH फीमेल में तो ओव्यूलेशन कराता है लेकिन मेल्स में ये लेडेक सेल पे जाके काम करता है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जो FSH होता है सर्टोली सेल पे जाके काम करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, और सर्टोली सेल इनहिबिन सेल भी प्रोड्यूस कर इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इनहिबिन FSH को नेगेटिव फीडबैक से इनहिबिट कर देता होता है। यानी FSH सर्टोली पे जाके काम करता है, सर्टोली इनहिबिन करते हैं, इनहिबिन प्रोड्यूस करते हैं, इनहिबिन उल्टा FSH को काम कर देता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो लेडिक सेल से प्रोड्यूस होता है। अगर लेडिक सेल का ट्यूमर हो तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, उसमें रेन की क्रिस्टल आएंगे। सर्टोली सेल ब्लड टेस्टिस बैरियर को मेंटेन करता होता है, ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन करता होता है, क्लियर। इसके बाद जो FSH होता है इज इनहिबिटेड इन मेल्स बाय, तो जो FSH होता है उसको इनहिबिट करने वाला इनहिबिन होता है सर्टोली सेल से प्रोड्यूस होता है। सर्टोली सेल स्पर्मियोजेनेसिस का कंट्रोल करते हैं कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। अगर कोई टाल मैन है, नॉर्मल सेमिनल फ्लूइड सिक्रेशन है लेकिन एजोस्पर्मिया डिफेक्ट है, ओके, एजो बोलते हैं मोटाइल को, अगर स्पर्म्स की मोटिलिटी खराब हो गई है यानी स्पर्म्स मेच्योर नहीं हो पा रहे तो डिफेक्ट आका कहाँ पे पड़ा हुआ है, सर्टोली सेल पे पड़ा हुआ है, एंड द डिजीज इज कॉल्ड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक टाल मैन है, नॉर्मल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, मैरिड है लेकिन कोई किड्स नहीं है, उसका नॉर्मल इजैकुलेट है लेकिन एजोस्पर्मिया है, यानी अगर टाल है एजोस्पर्मिया है मतलब स्पर्म्स की मेच्योरेशन नहीं हो पा रही तो वह सर्टोली सेल में डिफेक्ट आ गया। 6 साल की लड़की है उसमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो गई है, वो वजाइनल स्पॉटिंग यानी ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। नॉर्मली जो होती है प्यूबर्टी वो फीमेल में कब स्टार्ट होती है, ओके, फीमेल में स्टार्ट होती है तकरीबन 12 से 13 साल की उम्र में, लेकिन 6 साल की उम्र में आना शुरू हो गया, इसका मतलब है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है, ओके, ठीक हो गया, ओके, लेकिन कोई हेयर की डिवेलपमेंट नहीं है, हेयर की डिवेलपमेंट नहीं है, और ओवेरियन मैस है मतलब ओवरी का वो कौन सा ट्यूमर है जो ब्रेस्ट की डिवेलपमेंट करा देता है, वो सर्टोली लेडेक सेल ट्यूमर है। इसका मैकेनिज्म समझना है, जो सर्टोली लेडेक सेल ट्यूमर है, जो लेडेक सेल ट्यूमर है एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड्रोजन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ब्रेस्ट के डिवेलपमेंट करा देते हैं। एक यंग मेल है, वंस अगेन उसको एजोस्पर्मिया है और इनफर्टिलिटी है, सर्टोली सेल में डिफेक्ट है, और अगला में भी दोबारा एजोस्पर्मिया आ गया तो सर्टोली सेल में डिफेक्ट होता है। सर्टोली सेल का एक और फंक्शन भी होता है, सर्टोली सेल की रट्टा मार लो 3 फंक्शन होते हैं, पहला तो ये स्पर्मियोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं, दूसरा इनहिबिन प्रोड्यूस करते हैं वो FSH को इनहिबिट करता है, तीसरा जो सर्टोली सेल होते हैं मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। ये मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर क्या करता है, ओके, ये उसको रिग्रेस कर देता है, किसको रिग्रेस करता होता है, क्लियर, ये मुलेरियन जो होती है ना पैरामीजोनाफ्रिक डक्ट होती है, ओके, ठीक हो गया, पैरामीजोनाफ्रिक डक्ट जिसको मुलेरियन डक्ट कहते होते हैं उसको रिग्रेस कर देता है, क्लियर। इसके बाद जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टिमुलेट होती है FSH से और टेस्टोस्टेरोन से। टेस्टोस्टेरोन तो सारी स्टेजेस को ही कंट्रोल करता है, FSH आगे सर्टोली सेल वगैरह पे काम करता होता है। एक मैरिड मैन है विद एजोस्पर्मिया है, तो एजोस्पर्मिया है तो आपने सबसे पहले तो आपने सीमन फ्लूइड एनालिसिस कराया, उसमें आपको एजोस्पर्मिया मिल गया, फिर आपने क्या करवाना है, FSH LH के लेवल्स कराने होते हैं, हार्मोनल प्रोफाइल, ठीक हो गया, वो आपको डीरेंज मिलेंगे। कौन सा हार्मोन FSH LH को रिलीज कराता है, GnRH, और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH LH को प्रोड्यूस करा देगा।
एलएच का क्या फंक्शन होता है ओव्यूलेशन से पहले, ओव्यूलेशन से पहले फीमेल में जो एलएच होता है लुटियनाइजिंग हार्मोन, वो ग्रैनुलोजा सेल को कन्वर्ट करता है लुटियन सेल में, और लुटियन सेल फिर इसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और एलएच सर्ज आ जाती है। इसके बाद है जो ग्रैनुलोजा सेल होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन को 17-बीटा-एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट करा देते हैं, एंड्रोजन में कन्वर्ट करा देते हैं। हार्मोन कौन सा होता है एफएसएच, और एंजाइम कौन सा होता है एरोमेटेस। ड्यूरिंग लैक्टेशन एमिनूरिया होता है, वो क्यों एमिनूरिया होता है, जब लैक्टेशन होती है तो प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है और जीएनआरएच को इनहिबिट कर देता है जिसकी वजह से एमिनूरिया हो जाता है। इसके बाद है अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की डेवलपमेंट करानी है तो मुझे क्या चाहिए, एफएसएच चाहिए, ओके एफएसएच आगे सर्टोली पे जाके काम करेगा, और एंड्रोजन चाहिए। इसके बाद है वो कौन सा हार्मोन है जो इंटरनल जेनिटेलिया की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, वो टेस्टोस्टेरोन होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और जो एक्सटर्नल वाला है वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है 5-अल्फा-रिडक्टेज एंजाइम से डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन पे जाके कन्वर्ट होता है। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ने प्रोस्टेट पे काम करना है, हेयर फोलिकल पे काम करना है, विरिलाइजेशन करा देनी है। डैट इज़ वाई के जो बीपीएच होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, इस पेशेंट में हम 5-अल्फा-रिडक्टेज इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं विच आर फिनास्टेराइड। इसके बाद जो टेस्टोस्टेरोन होता है एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट होता है, हार्मोन कौन सा होता है एफएसएच, एंजाइम कौन सा होता है एरोमेटेस। इसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूबुल की डेवलपमेंट करानी है तो एफएसएच और एंड्रोजन चाहिए। स्पर्म्स की जो मोटिलिटी होती है वो स्टार्ट कहाँ पे होती है एपिडिडिमस से, और एंड कहाँ पे होती है वास डिफरेंस के अंदर। लोवेस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल जब प्री स्कूल जो बच्चा होता है उसमें आपको कम देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, मेल इंटरनल जेनिटेलिया कहाँ से किस हार्मोन से के कंट्रोल में होते हैं टेस्टोस्टेरोन के, जो एक्सटर्नल वाला होता है वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है। 6 साल की लड़की है, 2 वीक से एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो गया है। टालर है, ओके यानी इसको प्यूबर्टी जल्दी तो नहीं आ गई। ब्रेस्ट की डिवेलपमेंट है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, प्यूबिक हेयर आना शुरू हो गया है, ब्लड आना शुरू हो गया है, ओवेरियन मास है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी आ गया है। अब प्रीकॉशियस प्यूबर्टी ग्रैनुलोजा थिका सेल ट्यूमर की वजह से ज़्यादातर देखने को मिलती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट वगैरह देखने को मिलती है। लोवेस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल प्री स्कूल चिल्ड्रन में देखने को मिलते हैं। एक 50 साल की फीमेल है विद अ नॉर्मल लिविंग, व्हाट विल हैपन पोस्ट मेनोपॉजल, 50 साल के बाद क्या होता है, ईस्ट्रोजन कम होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस का लेवल ज़्यादा होगा, ओवरी फेल हो जाती है 50 साल के बाद। जब ओवरी फेल होती है ईस्ट्रोजन नहीं होगा, ईस्ट्रोजन नहीं होगा तो एफएसएच आरएच का लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट पढ़ लेते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में क्या होता है, ईस्ट्रोजन कम होता है, एफएसएच आरएच बढ़ जाता है। एक फीमेल जिसको हॉट फ्लशेस है, वंस अगेन मेनोपॉज है, तो एफएसएच आरएच का लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप एलएच एफएसएच की रेशियो कराते हो, एलएच का लेवल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एफएसएच, तो ये आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। एक 18 साल की लड़की है जिसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, ओके 70 kg की है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके ठीक हो गया, 70 kg की यानी थोड़ा वजन ज़्यादा है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में यानी हिर्सुटिज्म है, एफएसएच एलएच की रेशियो कराई है, ओके बल्कि एलएच तो थोड़ा कम बताया हुआ है, 40 बताया हुआ है, हालांकि 3:1 आना चाहिए था, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी ज़्यादा है और ईस्ट्रोजन का लेवल भी ज़्यादा है, तो ये पीसीओएस में देखने को मिलती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम होती है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, एंड्रोजन ज़्यादा होता है, ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, एलएच ज़्यादा होता है, हिर्सुटिज्म होता है, वेट ज़्यादा होता है, ओबेसिटी ज़्यादा होती है, ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियस आपको देखने को मिलती है, एक्नी हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है, ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया देखने को मिलता है। पोस्ट मेनोपॉजल फाइंडिंग यानी पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में क्या होगा, ईस्ट्रोजन कम होगा, एफएसएच एलएच ज़्यादा हो जाएगी। 48-year-old लेडी है जिसको एमेनोरिया 8 महीनों से है, ओके तो रीजन फॉर मेनोपॉज, तो मेनोपॉज क्या होता है, लो एस्ट्रोजन हाई एफएसएच एलएच से। वो कौन सी एंटी एंड्रोजन है जो आप पीसीओएस में इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म, तो वो सिप्रोटिनोन एसीटेट और क्रीम ऑफ वेनिकुआ ये भी इस्तेमाल होती है। ड्यूरिंग लैक्टेशन ओव्यूलेशन इनहिबिट होती है, क्यों, जब लैक्टेशन होती है तो प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है, वो जीएनआरएच की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा जिसकी वजह से एफएसएच एलएच नहीं होगी, ये इनहिबिट हो जाएगा। जो प्रोलैक्टिन होता है इसके 2 फंक्शन होते हैं, मिल्क की प्रोडक्शन को इंड्यूस करना, क्लियर, और रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कम कर देना, एमेनोरिया करवा देना। जो ऑक्सीटोसिन होता है ये मिल्क लेट डाउन में पार्टिसिपेट करता है, यानी मिल्क की इजेक्शन कराता होता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता होता है, ओके क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगी, ठीक हो गया। जब तक प्रोलैक्टिन आपकी बॉडी के अंदर है ओव्यूलेशन सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि प्रोलैक्टिन क्या करता है, जीएनआरएच की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है और इसके एक्शन को इनहिबिट कर देता है, और एलएच एफएसएच के एक्शन को भी एंटागोनाइज कर देता है, और डोपामीन को अगर आपने इनहिबिट करना है
सॉरी प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करना है तो डोपामिन दे दो। इन शॉर्ट कि अगर किसी पेशेंट में डोपामिन की कमी हो गई है, कोई बंदा अगर डोपामिन ब्लॉकर ले रहा है तो उसमें प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होगा, प्रोलैक्टिन जी एन आर एच को इनहिबिट कर देगा, एफ एस एच एल एच का लेवल कम हो जाएगा। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये सारा मैकेनिज्म है। जो लैक्टोजेनेसिस है, मिल्क की प्रोडक्शन होती है, कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं, कोर्टिसोल होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोलैक्टिन होता है। प्रोलैक्टिन का मेन रोल होता है मिल्क की प्रोडक्शन में, ऑक्सीटोसिन का होता है मिल्क लेट डाउन के अंदर। इसके बाद जो लैक्टेशन होती है जी एन आर एच को इनहिबिट कर देती है बाई प्रोलैक्टिन। ओके, जो मिल्क की सिक्रेशन होती है वो प्रोलैक्टिन कंट्रोल करता है। चाइल्ड बर्थ पे जो ऑक्सीटोसिन होता है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए काम करता है। कैसे? पॉजिटिव फीडबैक के जरिए ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, यूट्रस का मसल मजीद स्ट्रेच होगा, मजीद शॉर्ट होगा, मजीद ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो जो पॉजिटिव फीडबैक होती है एक चाइल्ड बर्थ में और दूसरा क्लॉटिंग कैस्केड में, इन दो जगह पे काम करती है। एमेन्यूरिया ड्यूरिंग लैक्टेशन प्रोलैक्टिन की वजह से होती है। फुल डेवलपमेंट एंड द फंक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो इसके लिए आपको एंड्रोजन चाहिए और आपको चाहिए एफ एस एच एल एच, एफ एस एच चाहिए। ऑक्सीटोसिन रिलीज के लिए जो स्टिमुलस होता है सकलिंग होती है, जब वो सक करता है। हार्मोन रिक्वायर्ड टू मेंटेन लैक्टेशन, तो तीनों हार्मोन है। मिमोनिक है ओ सी पी, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन। ठीक हो गया। एक फीमेल जिसके इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, अगर आपने उसको बढ़ाना है तो आप ऑक्सीटोसिन दे दो। न्यूरो हाइपोफिजियल हार्मोन यानी न्यूरॉन से प्रोड्यूस होता है और पिचूटरी में स्टोर होता है, वो दो ही हार्मोन है ए डी एच और ऑक्सीटोसिन। ठीक हो गया। कौन सा फ्लूइड की रिटेंशन कराता होता है, फ्लूइड की रिटेंशन रट्टा मारना ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों कराते होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मूथ मसल, यूट्राइन स्मूथ मसल इनएक्टिव होते हैं। क्यों इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, काम नहीं कर पा रहा होता ड्यू टू प्रोजेस्टिरोन। ऑक्सीटोसिन लेबर के टाइम पे बढ़ता है जब सर्विक्स के ऊपर स्ट्रेच होता है। ठीक हो गया। यानी जब सर्विक्स स्ट्रेच होगी, जब सर्वाइकल डायलेटेशन होती है तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा जिसकी वजह से सर्विक्स मजीद स्ट्रेच होगा और मजीद ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। ठीक हो गया। तो ऑक्सीटोसिन कब प्रोड्यूस होता है, जब सर्वाइकल स्ट्रेचिंग होती है, सर्वाइकल डायलेटेशन होती है। ऑक्सीटोसिन का मेन यूज क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ऑगमेंट करना। लेट प्रेगनेंसी में यूट्रस सेंसिटिव होता है टू द ऑक्सीटोसिन, जबकि अर्ली प्रेगनेंसी में ये इनसेंसिटिव होता है। हार्मोन लैक्टोजेनेसिस में ओ सी पी, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन है। ऑक्सीटोसिन आपने लेबर वाली फीमेल को दिया है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर पा रही, कि अगर आप ऑक्सीटोसिन कंटिन्यूअसली दोगे, कंटिन्यूअसली ले रही है, तो जो ऑक्सीटोसिन होती है अपने रिसेप्टर को डाउन रेगुलेट कर देती है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन अपना काम नहीं कर पाएगा। एक फीमेल है जिसका 5 साल का बेबी है, इनफर्टिलिटी है, इरेगुलर मेंसेस है, विद डिक्रीज फ्लो, यानी फ्लो भी नहीं आ रहा, इंटरमीटेंट ब्रेस्ट सिक्रेशन है, यानी एमेन्यूरिया, गैलेक्टोरिया, इनफर्टिलिटी है, ये प्रोलैक्टिनोमा की वजह से होती है या हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से होती है। ड्यूरिंग लैक्टेशन ओव्यूलेशन इनहिबिट होती है बिकॉज जी एन आर एच को इनहिबिट कर रहा है प्रोलैक्टिन। वाइल्ड लैक्टेशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पे लैक्टेशन कब क्यों इनहिबिट होती है, ड्यू टू ईस्ट्रोजन। अब जो ईस्ट्रोजन होता है वो प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन को बढ़ा देता है प्रेगनेंसी में, लेकिन प्रोलैक्टिन के एक्शन को इनहिबिट कर देता है। जो ब्रोमोग्रेप्टिन होती है, डोपामिन एगोनिस्ट होती है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करती है। जीएनआरएच ज्यादा होगा, डोपामिन प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करती होती है। डेट इज वाई प्रोलैक्टिनोमा में आपने ब्रोमोग्रेप्टिन, कैपरगोलिन इस्तेमाल करना है। एमेन्यूरिया ड्यूरिंग लैक्टेशन है, क्या कॉज है, प्रोलैक्टिन, जो कि इनहिबिट कर रहा है जीएनआरएच को। क्लियर। जो ऑक्सीटोसिन होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। ब्रेस्ट में 15 से लेकर 20 लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं ड्यूरिंग पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ। बायोमेट्रियम की एक्टिविटी बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन। लास्ट ट्राइमेस्टर में एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम दोनों ऑक्सीटोसिन से सेंसिटिव होते हैं। बीटा सीजी यूरिन में देखते हैं, यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब कराते हैं, जब बीटा सीजी का पीक आ जाता है ओवर 10th डे पे होता है। यानी बीटा सीजी का लेवल ब्लड में कब आता है, 8वें दिन, यूरिन में कब ज्यादा आता है, 10वें दिन। लास्ट ट्राइमेस्टर में यूट्रस ज्यादा सेंसिटिव होता है ऑक्सीटोसिन के लिए। क्लियर, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन भी कम होना शुरू हो जाता है। ओव्यूलेशन से पहले, बिफोर ओव्यूलेशन, यानी फोलिकुलर फेज में फोलिकल्स की मेच्योरेशन होती है, वो एफ एस एच कंट्रोल करता है। यानी फोलिकल की जो मेच्योरेशन होती है वो एफ एस एच कंट्रोल करता है और जो ओव्यूलेशन होती है वो एल एच सर्ज पर डिपेंड करती है। अब हम यहाँ पे आते हैं,
ब्रेस्ट में जो एल्वियोलाई होते हैं और लोब्यूल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट कौन कंट्रोल करता है, वो प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करता है। अब एक बात रट्टा मारना, जो ईस्ट्रोजन होती है इसका नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक दोनों होता है। यानी फोलिकुलर फेस में क्या होता है, फोलिकुलर फेस में जो ईस्ट्रोजन होता है ना, यानी फोलिकुलर फेस में क्या होता है, LH FSH के लेवल ज़्यादा होता है, वो ईस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करवाते हैं। ईस्ट्रोजन क्या करता है, उल्टा इनको इनहिबिट कर देता है। लेकिन जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, ईस्ट्रोजन LH को बढ़ाना शुरू कर देता है, LH सर्ज करा देता है। लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन होता है, ये FSH LH दोनों को इनहिबिट करता है। जो ईस्ट्रोजन होता है, इसने ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करानी है, फैट की डेपोजिशन करानी है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन कराना है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है, इसने एल्वियोलाई और लोब्यूल्स की डेवलपमेंट करानी है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ानी है, बाकी दोनों प्रेगनेंसी को मेंटेन करते होते हैं। ओके, और एक और बात रट्टा मार लेना, जो ईस्ट्रोजन होता है ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी के थ्रेशोल्ड को कम कर देता है। मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है, प्रोजेस्टेरोन थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है। डैट मीन्स यूट्रस की सेंसिटिविटी कम हो जाती है टू द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ईस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, लेकिन उसके एक्शन को भी ब्लॉक कर देता है ब्रेस्ट पर। डैट इज़ वाई प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है, लेकिन वो लैक्टेशन नहीं करवा पाता होता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन ने इसको इनहिबिट कर दिया है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ईस्ट्रोजन वेरिएशन ओवर द लाइफ स्पाइन, लाइफ लाइफ स्पैन स्पेन कह रहे हो, लाइफ स्पान कहना चाहिए। ओके, तो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो ईस्ट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा, वो एस्ट्राडायोला है। यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है, वो जस्ट लाइक डोल होती है, गुड़िया होती है, एस्ट्राडायोल। ईस्ट्रोजन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन सा ज़्यादा होता है, एस्ट्राइल। मिमोनिका ट्राई, यानी जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ओके, माँ बाप और बेटा या बेटी, या तीनों चीज़ें हो जाती है, क्लियर। और जो एस्ट्रायोल होता है, ये कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ को स्क्रीन करने के लिए होता है, खासतौर पर डाउन सिंड्रोम को डायग्नोज करने में, जिसमें इसका लेवल कम हो जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल। इसके बाद मीनोपॉज में वो कौन सा होता है, वो होता है आपका एस्ट्रोन होता है। ओके, यानी मीनोपॉज में फीमेल सिंगल हो जाती है, एक हो जाती है, तो एस्ट्रोन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो पोटेंट होता है वो एस्ट्राडायोल होता है, फिर एस्ट्रोन होता है और फिर एस्ट्रायोल हो जाता है। प्रेगनेंसी में यूट्रस की जो सॉफ्टनिंग होती है, वो कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, वो प्रोजेस्टेरोन होता है। एक प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको पर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है 6 वीक पर, तो विच हार्मोन विल बी लो इन केस ऑफ मिस कैरेज। ओके, वो हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, लेकिन अगर ये हार्मोन ना हुआ तो प्री टर्म लेबर हो जाएगा या मिस कैरेज हो जाएगा, तो ये प्रोजेस्टेरोन है। एक फीमेल ड्यूरिंग डिलीवरी है, लेकिन ईस्ट्रोजन को सेंस नहीं कर पा रही, इसका मतलब है कि ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन हो गई है या रेजिस्टेंस हो गया है ऑन द मायोमेट्रियम। लैक्टेशन इन प्रेगनेंसी कौन सा इनहिबिट करता है, ईस्ट्रोजन इनहिबिट करता है। प्रोलीफरेशन ऑफ लैक्टिफिलस डक्ट और फैट डेपोजिशन, रट्टा मार लो, लैक्टिफिलस डक्ट की जो प्रोलीफरेशन होता है वो ईस्ट्रोजन कंट्रोल करता है, जबकि एल्वियोलाई और लोब्यूल्स की डेवलपमेंट होती है वो प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करता है। फैट की डेपोजिशन, ये भी ईस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स, ये करती क्या है, यानी जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती है, एंडोमेट्रियम के एट्रोफी करा देती है। एक मदर है अपनी यंग डॉटर के बारे में वरिड है, जिसके प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर लॉस होना शुरू हो गया विद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं लॉस नहीं लॉर्ड्स आना चाहिए था, लॉर्ड्स यानी बहुत सारे हैं, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर। अब रट्टा मारना, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर ये कौन कंट्रोल करता है, या एंड्रोजन कंट्रोल करते हैं, इसको बोलते हैं एड्रीनार्की या प्यूबार्की। जबकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है ईस्ट्रोजन, यानी एंड्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं ईस्ट्रोजन के अंदर और वो करवा देते हैं। यहाँ पे एंड्रोजन कौन सा दिया हुआ है, डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिमिडायोन। एक फीमेल है जिसको वेट गेन है, राउंड मून फेस है, ट्रंकल ओबेसिटी है, बुफेलो हेम्प है, ओके, एबडोमिनल ओबेसिटी है, स्ट्राया है, तो ये द हार्मोन कॉजिंग दीज सिम्टम्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ। वैसे डायग्नोज तो हमारा कुशिंग सिंड्रोम है, ओके, और कुशिंग सिंड्रोम में हार्मोन कौन सा होता है, वो कोर्टिसोल होता है। और कोर्टिसोल किससे बनता है, इनिशियली फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट होता है, प्रेग्नालोन में, और प्रेग्नालोन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोजेस्टेरोन के अंदर, तो ये प्रोजेस्टेरोन के डेरिवेटिव होते हैं। प्रोलीफरेशन ऑफ ब्रेस्ट एल्वियोलाई, तो जो ब्रेस्ट में जो एल्वियोलाई होते हैं और लोब्यूल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करना, ठीक हो गया, क्लियर, ठीक हो गया। बाकी प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है, ब्रेस्ट में एल्वियोलाई और लोब्यूल्स की डेवलपमेंट कराना। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, फंक्शंस इसके, मेंटेनेंस ऑफ थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, सेक्रेटरी फेस को कंट्रोल करता है, और लोब्यूल्स और एल्वियोलाई की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जो फोलिकुलर फेस है वो ईस्ट्रोजन कंट्रोल करता है और FSH, और जो आपका ओव्यूलेशन होता है वो LH कंट्रोल करता है। सेक्रेटरी फेस
प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करता है टू प्रिवेंट एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर को कम करने के लिए, यानी जो ईस्ट्रोजन होता है वो एंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ा देता है, प्रोजेस्टेरोन इसको कम कर देता है। डेट इज वाई अगर आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देने हैं या एचआरटी देना है उसमें ईस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन भी देना है टू प्रिवेंट एंडोमेट्रियल कैंसर। ठीक हो गया, यानी जो एंडोमेट्रियल कैंसर होता है वो प्रोजेस्टेरोन लेने से कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन लेने से ब्रेस्ट का कैंसर बढ़ जाता होता है। ERPR रिसेप्टर होते हैं। ब्रेस्ट की एट्रोफी इन अडल्ट फीमेल है, ये क्यों होती है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। ओके, एक बात रट्टा मारना, चाहे यंग फीमेल है चाहे अडल्ट फीमेल है, अगर ब्रेस्ट की एट्रोफी हो रही है तो वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ओके, डेफिशिएंसी की वजह से होती है। क्लियर? तो आपने ज्यादा आंसर किसको लगाना है? ईस्ट्रोजन लगा देना है, क्योंकि ईस्ट्रोजन ही आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। अगर ओवेरियन साइकिल का ड्यूरेशन क्या है, 21 to 23 days है, यानी एक साइकिल है उसका ड्यूरेशन 21 to 23 days है, तो ओव्यूलेशन कब होगी? एक बात रट्टा मारना, ओवेरियन साइकिल में क्या क्या फेज होते हैं? फोलिकुलर फेज होता है, ओके, इसके बाद आपका ओव्यूलेशन होती है, फिर सिक्रेटरी फेज होता है। क्लियर? ठीक हो गया। एक या लूटियल फेज होता है, लूटियल फेज रट्टा मारना, जो लूटियल फेज होता है वो हमेशा 14 दिन का होता है, यानी टोटल साइकिल में से आपने 14 दिन माइनस कर देने हैं। लूटियल फेज हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, तो अगर मैं 14 डेज माइनस कर दूँ तो 7 to 9 बनेगा। ठीक हो गया, तो एक बात रट्टा मार लेना, अगर 28वें दिन का साइकिल है तो लूटियल फेज हमेशा 14 डेज का होता है, तो अगर 28 दिन का साइकिल है तो ओव्यूलेशन 14 डेज पे होगी, 35 डे का साइकिल है तो ओव्यूलेशन 21 डे पे होगी। क्लियर? क्योंकि जो लूटियल या सेक्रेटरी फेज है वो हमेशा 14 डेज का होता है। तो ओवोसाइट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ओके, तो ओवोसाइट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन किस फेज में होता है? सेकेंडरी ओवोसाइट वाले फेज में होता है, ओके, और इसी फेज में वो रिलीज हो जाता है, सेकेंडरी ओवोसाइट। ठीक हो गया। फिर इसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब होती है? फ्यू आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन पहले होने से पहले, फर्स्ट आवर्स से पहले क्या हो जाती है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है और सेकेंडरी ओवोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। एक फीमेल इनफर्टाइल है तो ओव्यूलेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर होता है, ओके, मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ ओव्यूलेशन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, तो आपने कौन सा टेस्ट करवाना है? फर्न टेस्ट कराना होता है। ओके, फर्न टेस्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। फर्न टेस्ट किसका होता है? सर्वाइकल म्यूकस का होता है। असल में ओव्यूलेशन के टाइम पर सर्वाइकल म्यूकस काफी ज्यादा थिन हो जाता है और ये फर्न टेस्ट क्या हो जाता है? ओके, ये आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? इसके बाद फीमेल मैरिड है, 18 साल की है, एमेनोरिया है 8वें हफ्ते का, बीटा एसजी नेगेटिव है। ओके, अब देखो बीटा एसजी नेगेटिव है इसका मतलब है कि प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन एमेनोरिया है और कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है, तो एमेनोरिया क्यों है? एन ओव्यूलेशन की वजह से। ठीक हो गया। ओके, उसको प्राइमरी एमेनोरिया एन ओव्यूलेशन की वजह से है, और एन ओव्यूलेशन का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो यहाँ पे रट्टा मार लो, अगर कोई 16 साल की फीमेल आती है, 8 वीक का एमेनोरिया है, तो आपने एन ओव्यूलेशन लेबल कर लेना है, PCOS की वजह से होता है। प्रेगनेंसी में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं बीटा सीजी को चेक करने के लिए। एक फीमेल का 28 दिन का साइकिल है तो ओव्यूलेशन कब होगी? 14 डे पे होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि एक फीमेल 28वें दिन का साइकिल है, 17 बीटा एस्ट्राडायोल का लेवल ज्यादा है, ओके, तो उसका मतलब है ओव्यूलेशन होने वाली है, यानी ईस्ट्रोजन LH का सर्च करा देगा। सेकेंडरी एमेनोरिया की हिस्ट्री है, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? सेकेंडरी एमेनोरिया, एक होता है प्राइमरी एमेनोरिया, एक है सेकेंडरी एमेनोरिया, किसी और सेकेंडरी कॉजेस की वजह से, तो आपने FSH, LH और प्रोलैक्टिन के लेवल्स कराने होते हैं। क्लियर? कि अगर FSH, LH कम प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया होगा, या प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा है उसकी वजह से भी सेकेंडरी एमेनोरिया होगा। फर्स्ट स्टेज ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में सबसे पहले ब्रेस्ट की बडिंग आती है, सार टूथ अपेयरेंस ऑफ ग्लैंड्स, ओके, सार टूथ अपेयरेंस ऑफ ग्लैंड्स, वैक्यूलाइजेशन और एडिमाटस स्ट्रोमा, ये आपको सेक्रेटरी फेस या लूटियल फेस में देखने को मिलता है। ओके, और लूटियल फेस में सेक्रेटरी प्रोलिफरेशन होती है, ये कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? ये प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करता होता है। कौन सा हार्मोन मिड लूटियल फेस में बढ़ जाता है? ओके, तो वो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन होता है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन क्या नहीं होता? वैक्यूलाइजेशन नहीं होती, वैक्यूलाइजेशन सेक्रेटरी या लूटियल फेस में होती है। ओके, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करना, एंडोमेट्रियल कैंसर को कम करना। ओव्यूलेशन के लिए जो डेफिनेटिव टेस्ट किया है, फर्निंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस आपने करानी होती है। ओके, इफ अ फीमेल हैज मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 21 डे, तो ओव्यूलेशन कब होगी? 7 डे पे हो जाएगी। एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरेज 28 डेज का है, ऑन 21 डे तो कौन सा फेज चल रहा होगा? सेक्रेटरी फेज, यानी 14 डे पे ओव्यूलेशन होगी, 14 to 28 आपको सेक्रेटरी फेज या लूटियल फेज देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और
पार्चुरेशन, कौन से लेयर शेड होती है एंडोमेट्रियम के बेजालिस, बेजालिस की जो एंडोमेट्रियम के लेयर है ना बेजालिस, वो फंक्शनल रहती है, मतलब कहने का मतलब है कि ये पूरा मेंटेन रहती होती है, लेकिन जो शेड होती है वो फंक्शनलिज है, यानी जो फंक्शनल लेयर है वो शेड हो जाती है, जो बेजालिस है वो परसिस्टेंट रहती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सब फर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी क्या होता है, एंड ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही, और एंड ओव्यूलेशन का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर की तीन स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है ऑनसेट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्शन से लेकर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विस तक, स्टेज टू में क्या होता है फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विस से लेकर डिलीवरी ऑफ फीटस तक, और स्टेज थ्री में क्या होता है डिलीवरी ऑफ फीटस से लेकर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा तक। क्लियर, तो ये आ जाएगा। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है वाया वाल सल्वा मेनूवर। ओके, अब वो कौन द हार्मोन जो कि पार्चुरेशन को ट्रिगर करती है, ओके वो कौन सा है, वो फीटल कॉर्टिसोल है, यानी असल में होता क्या है फीटस में कॉर्टिसोल होता है। ओके, वो असल में यहाँ पे ना फीटस में एक हार्मोन होता है ACTH, ACTH कॉर्टिसोल को बढ़ाता है फीटस के अंदर, कॉर्टिसोल प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, माँ में आता है और वहाँ पे ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर देता है। लेवल ऑफ विच हार्मोन रिमेन्स नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो ग्रोथ हार्मोन होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है द ब्लड लेवल ऑफ प्रेग्नेंट लेडी इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी प्रेगनेंसी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल यूजली नॉर्मल रहता है। ओके, तो आपने रट्टा मार लेना होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, तो जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल नॉर्मल रहता है तो ग्रोथ हार्मोन जैसा एक और हार्मोन बढ़ जाता है, उसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन। एक 43 ईयर ओल्ड लेडी है जिसके तीन बच्चे हैं और नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल है। ओके, लीस्ट चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी एज कम्पेयर टू 33 ईयर ओल्ड फीमेल, तो इसकी वजह क्या होती है। क्लियर, तो इसकी वजह क्या होती है, इनहिबिशन ऑफ GnRH। ओके, इनहिबिशन ऑफ GnRH के 43 ईयर ओल्ड है, तीन बच्चे हैं, ओके प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होगा, तो इनहिबिशन ऑफ GnRH होती है, कंसीव करने के चांसेस कम होते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। ओके, एक फीमेल है जिसको PPH है, यूट्राइन एटोनी कम है, यूट्राइन एटोनी है, PPH हुआ है, तो आप ऑक्सीटोसिन दे दोगे। क्लियर, तो ये सारे MCQs पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH में क्या होता है, ADH ज़्यादा होता है, ADH क्या करेगा वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जब वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है सारा पानी ब्लड में आएगा तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी, प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी कम होती है, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता होता है। ओके, अब हम तीन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। पहला है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में क्या है, कोई बंदा पानी नहीं पी रहा, जब पानी नहीं पी रहा तो क्या होगा, सीरम की ऑस्मोलैलिटी या प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी बढ़ती है तो ADH की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, ओके बढ़ जाती होती है। जब ADH की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो ADH क्या करेगा, ADH वाटर को रीअब्सॉर्ब कराएगा, वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद दूसरा है डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस दो तरह की होती है, सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक। सेंट्रल में ADH की प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, नेफ्रोजेनिक में ADH की रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। ओके, तो जो डायबिटिक इंसिपिडस है इसमें क्या मैकेनिज्म होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ADH नहीं होगा, जब ADH नहीं होगा तो ADH वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करवा पाएगा, तो सारा का सारा पानी यूरिन में चला जाएगा, तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम होगी और पानी ब्लड में नहीं आ पा रहा तो ब्लड की ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी, तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी, प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती है। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH में क्या होता है, ADH ज़्यादा होता है, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कराता है, जब वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कराएगा तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी और प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आगे पढ़ लेते हैं हाइपर ऑस्मोलर ओवर हाइड्रेशन। ओके, हाइपर ऑस्मोलर ओवर हाइड्रेशन ये कब आपको देखने को मिलती है, वाटर डेप्रीवेशन, इसका क्या मतलब हुआ। ओके, हाइपर ऑस्मोलर ओवर हाइड्रेशन यानी अगर आप वाटर को वाटर की डेप्रीवेशन करोगे यानी पानी नहीं पियोगे तो सीरम की ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती होती है, फिर ADH आता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में मसला है। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है क्योंकि सारा पानी यूरिन में जा रहा है, ADH नहीं है। नॉर्मल इंडिविजुअल में और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH में आप ADH के लेवल्स करा लोगे जो कि आपको सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH में ज्यादा होती है। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH आपको किस कैंसर में देखने को मिलता है, स्मॉल सेल लंग कैंसर, जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग तीन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कराता है, एक कुशिंग सिंड्रोम, एक आपका सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH और लैम्बर्ट ईटन मायस्थेनिक सिंड्रोम। इसके बाद एक सिनेरियो था जिसमें सीरम की ऑस्मोलैलिटी कम थी और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी ज्यादा थी, इसका मतलब है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH है। क्लियर, ठीक हो गया।
इसके बाद अगर आप देखो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी क्या हुई भैया, ज्यादा हुई भैया, प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी ये भी ज्यादा हुई भैया, तो इसका मतलब है वाटर डेप्रीवेशन है, पानी नहीं पी रहा, तो उसकी वजह से प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी ज्यादा होगी, एडीएच रिलीज होगा, वो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी को बढ़ा देगा। इसके बाद ये तो क्वेश्चन, ये तो पेज हमने कवर कर लिया था। ओके, नॉर्मल जो सीरम की ऑस्मोलैलिटी होती है 280 से लेकर 300 या 290 तक होती है, और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच में क्या होगा, एडीएच ज्यादा है, पानी को रिअब्सॉर्ब कराएगा, तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी 280 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेगेटिव फ्री वाटर लॉस, नेगेटिव फ्री वाटर लॉस का क्या मतलब होता है, मतलब नेगेटिव का मतलब है पानी जरा सा भी यूरिन के अंदर नहीं आ रहा, नहीं आ पा रहा, क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि वाटर की रिअब्सॉर्प्शन आ गई है, तो वह सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच में देखने को मिलती है। वो कौन सा फैक्टर है जो कि डिस्टिंग्विश करेगा हेल्दी पर्सन को विद अ सिवियर, हेल्दी पर्सन जिसमें सिवियर वाटर डेप्रीवेशन है, यानी कोई बंदा पानी नहीं पी रहा, डिहाइड्रेशन है, और कोई बंदा जिसमें सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी से करोगे। जो बंदा पानी नहीं पी रहा तो उसमें प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी 280 से ज्यादा होगी, और जो बंदा सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच है उसमें पानी की वाटर की प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी या सीरम ऑस्मोलैलिटी आप चेक करते हो। क्लियर? 7 ईयर ओल्ड है, प्रेजेंट विद अ हेडेक। ओके, हेडेक के साथ आया है, और अब हेडेक है मतलब कोई इंट्राक्रेनियल लीजन है, ठीक हो गया। जब भी कोई इंट्राक्रेनियल लीजन है तो डायबिटीज इंसिपिडस भी हो सकता है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच भी हो सकता है, तो आपने इनके इलेक्ट्रोलाइट्स को जरूर देखना है। अब देखो सोडियम कम हुआ है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया क्यों हुआ है, क्योंकि पानी ज्यादा आ गया है, यू वलीमिक हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। तो ये क्या डायग्नोस होगा, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच। देखो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी क्या हुई हुई है, बहुत ज्यादा हुई हुई है। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पर्सन फ्रॉम सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच। ओके, नॉर्मल पर्सन जो कि पानी नहीं पीता, तो आपने एडीएच और प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी के लेवल कराने होते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी क्योंकि सारा पानी यूरिन में जा रहा है। 65 ईयर ओल्ड मेल है जिसको स्ट्रोक है, स्ट्रोक हो गया है, इंट्राक्रेनियल लीजन है। ओके, ठीक हो गया। अब उसका एपीटाइट कम हो गया, थर्स्ट भी कम हो गया, प्यास नहीं लगती। ओके, ठीक हो गया। और द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिक्रीज थ्रस्ट। ओके, थ्रस्ट कम क्यों हो गई है, तो क्या काज होगा, एडीएच होगा। अब देखो स्ट्रोक वाले पेशेंट में क्या होता है, वंस अगेन इंट्राक्रेनियल लीजन होती है, तो इसमें सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच भी हो सकता है, इसमें आपको लाइक हम कह सकते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है, लेकिन थर्स्ट कम हो गई है तो वो क्यों, ओके, थर्स्ट क्यों कम हो गया, एडीएच की वजह से। एडीएच ने क्या किया, वाटर के रीअब्सॉर्प्शन वगैरह करा दिया, वाटर के रीअब्सॉर्प्शन करा दिया, तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसकी वजह से थर्स्ट क्या हो गया, कम हो गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, कुशिंग फीचर विद रेस्ड एसीटीएच, यानी एसीटीएच प्रोड्यूसिंग पिच्यूटरी एडिनोमा हो तो उसको कुशिंग डिजीज कहते हैं। अब हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं, सारे डिजीज पढ़ लेते हैं। पहले हम एल्डोस्टिरोन से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। अगर एल्डोस्टिरोन का लेवल ज्यादा है तो उसको बोलते हैं एल्डोस्टिरोनिज्म। अगर आपको बताया था एल्डोस्टिरोन क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा से, किस हार्मोन से रेगुलेट होता है, जोना सॉरी रास से, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम से, तो अगर पेशेंट को प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म है तो उसका मतलब है मसला आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स में, जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर है, कोई ट्यूमर है। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को क्या बोलते हैं, कौन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें क्या मिलेगा, जब एल्डोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वो सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन कराएगा, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कराएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है, यानी सोडियम ज्यादा होगा, पोटेशियम कम होगा, हाइपोकलीमिया होगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाएगा। और जब एल्डोस्टिरोन ज्यादा है तो वो रेनिन को इनहिबिट कर देगा। सेकेंडरी में मसला कहाँ पे होता है, सेकेंडरी में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है, और ये कब एक्टिवेट होता है, जब रीनल इस्कीमिया होता है, जब किडनी की तरफ परफियन प्रेशर कम होता है, तो इस केस में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा, या फिर जो आपका प्लाज्मा में जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जिसको सिरोसिस है, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसमें एडीमा होता है, एडीमा की वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम कम होता है, वंस अगेन रीनल परफ्यूजन प्रेशर कम होता है, और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो सेकेंडरी में और प्राइमरी में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंडरी में रेनिन का लेवल ज्यादा होता है, प्राइमरी में रेनिन कम होता है। इसके बाद अगला है प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशेंसी, जिसको एडिसन डिजीज कहते हैं। ओके, क्लियर। अब एडिसन में क्या होगा, एडिसन में चूंकि एल्डोस्टिरोन और कॉर्टिसोल दोनों नहीं है, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन होता है, ग्लूकोज का लेवल भी कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और चूंकि एल्डोस्टिरोन नहीं है तो हाइपरकलीमिया होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, और कॉर्टिसोल नहीं है
तो कॉर्टिसोल नहीं है तो ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, वो स्किन की पिगमेंटेशन करा देगा। कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है। जब कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है हाइपर टेंशन होती है, हाइपर ग्लाइसीमिया होता है। इसके अलावा कॉर्टिसोल के पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड पावर भी होती है, तो वो क्या करवाता है, हाइपोकलीमिया, सोडियम वाटर रिटेंशन, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस करवा देता है, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस करवा देता है क्योंकि हाइपर ग्लाइसीमिया करवाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हाइपर टेंशन कराता है, बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जो मोर स्पेसिफिक फाइंडिंग है, मोर स्पेसिफिक वो क्या होती है, कुशिंग सिंड्रोम में सेंट्रल ट्रंकल ओबेसिटी होती है, एक्सट्रीमिटीज वेस्ट हो जाते हैं जस्ट लाइक के माचिस की तीली बन जाता है, मून फेस होता है, बुफेलो हम्प आपको देखने को मिलता है। मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी, स्पॉन्टेनियस ब्रूजिंग होती है, स्किन पे स्ट्राया होते हैं और प्रोक्सिमल मायोपैथी आपको देखने को मिलती है। तो कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज में क्या फर्क होता है, कुशिंग सिंड्रोम को बोलते हैं हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, तो अगर कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम, और अगर कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा है ACTH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से तो उसको बोलते हैं कुशिंग डिजीज। ठीक हो गया, तो आपने रट्टा मार लेना है। साइंस ऑफ प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशेंसी क्या होता है, हाइपरकलीमिया आपको देखने को मिलता है, यानी एडिशन में क्या होता है, हाइपरकलीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलती है, स्किन की पिगमेंटेशन होती है क्योंकि ACTH का लेवल ज़्यादा होता है। अगर एक लेडी है जिसको हिर्सुटिज्म है, हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपर टेंशन है, इंक्रीज ACTH है, तो ये क्या होता है, कुशिंग डिजीज होता है क्योंकि ACTH की वजह से कॉर्टिसोल ज़्यादा हुआ है, और जब कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है वो लिम्फोपीनिया करवाता है, इओजिनोपीनिया करवाता है, न्यूट्रोफिलिया करवाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इम्यूनो सप्रेसिव होता है, ऑस्टियोपोरोसिस करवा देता है, डायबिटीज मेलाइटस करवा देता है। ये सारे MCQs पॉइंट बता दिया मैंने। लॉन्ग सिनेरियो ऑफ कुशिंग है, सिप्टम है और एड्रीनल मैस है, जब एड्रीनल मैस है तो वो कुशिंग सिंड्रोम है, मतलब मसला आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स में है, जोना फेसिकुलेटा के अंदर है। कुशिंग सिंड्रोम में आपने क्या कराना होता है, सबसे पहले आपने 24 आवर यूरिनरी कॉर्टिसोल लेवल, लेट नाइट कॉर्टिसोल लेवल, लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कराना है। अगर ये तीनों टेस्ट में कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा मिले तो कुशिंग सिंड्रोम है। फिर आपने ACTH के लेवल करानी होती है ये देखने के लिए कि कुशिंग डिजीज है या नहीं। ओके, अगर ACTH का लेवल ज्यादा है तो वो पिच्यूटरी में मसला हो सकता है या एक्टोपिक ACTH सिंड्रोम हो सकता है। फिर एक्टोपिक ACTH सिंड्रोम और पिच्यूटरी एडिनोमा, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कराते हैं। अगर हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट पॉजिटिव आ गया कि मतलब डेक्सामेथासोन ने ACTH को इनहिबिट करा दिया, तो वो पिच्यूटरी एडिनोमा होता है। अगर नेगेटिव आया तो वो क्या होता है, वो एक्टोपिक ACTH सिंड्रोम होता है, जो कि स्मॉल सेल लंग कैंसर में देखने को मिलता है। एक फीमेल है जिसको हाइपोटेंशन ही हाइपर टेंशन आना चाहिए था, पिगमेंटेशन ज़्यादा है और फीचर ऑफ किशिंग डिजीज है, तो ACTH हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। एक फीमेल OPD में आई है विद एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा है। ओके, कॉर्टिसोल के पास एंड्रोजन पावर भी होती है, हाइपर टेंशन है, हाइपर ग्लाइसीमिया है, हाइपर पिगमेंटेशन है। हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब है ACTH का लेवल ज़्यादा है, डिप्रेशन बढ़ गई है, एडिमेटस फेस है, फैट की डेपोजिशन ज़्यादा है, सेंट्रल ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी है, मून फेस है, ये आपको देखने को मिलते हैं कुशिंग डिजीज में क्योंकि ACTH की प्रोडक्शन ज़्यादा है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, मोस्ट कॉमन काज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, एक्सोजीनस होता है, आइट्रोजेनिक होता है, कोई बंदा बाहर से कोर्टिसोल ले रहा है। ठीक हो गया, तो वो क्या करेगा, कुशिंग सिंड्रोम करा देगा। अब वो बाहर से कोर्टिसोल क्यों ले रहा है, उसको कोई एस्थमा है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, इसके लिए ले रहा होगा। एक 16 साल की फीमेल है जिसको हाइपरटेंशन है और वेट गेन आना शुरू हो गया है। जब भी हाइपरटेंशन और वेट गेन आ जाए तो आपने कुशिंग सिंड्रोम को रूल आउट करना होता है। ओके, तो कौन सी चीज़ है जो कुशिंग सिंड्रोम को सिंपल ओबेसिटी से डिफ्रेंशिएट करती है, तो रट्टा मार लो, ओबेसिटी में भी वेट गेन होता है और कुशिंग सिंड्रोम में भी वेट गेन होता है, तो दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। कुशिंग सिंड्रोम में ऑस्टियोपोरोसिस होती है, स्ट्राया होते हैं, और आपको स्पेसिफिक फीचर आपने नोट करने हैं, वो स्पेसिफिक फीचर आपको ऊपर बताए थे मैंने। ओके, ब्रूजिंग होती है, स्ट्राया होता है, प्रोक्सिमल मायोपैथी होती है, कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है, हाइपरटेंसिव है विद हाइपोकलीमिया, तो ये कौन सिंड्रोम होता है जिसको प्राइमरी हाइपर अल्टोस्टिरोनिज्म कहते हैं। कुशिंग डिजीज में क्या होता है, हाइपोकलीमिया आपको देखने को मिलता होता है क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड पावर भी होती है। एक पेशेंट डायग्नोस केस का कुशिंग का है, उसको इमीजिएट सर्जरी चाहिए। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी करेक्टेड बिफोर सर्जरी। अब जिसको कुशिंग सिंड्रोम है उसमें ग्लूकोज का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, तो आपने हाइपरग्लाइसीमिया को पहले मैनेज करना है और आपने कोर्टिसोल की क्वांटिटी को बढ़ा देना होता है स्ट्रेस डोज के तौर पर। एक लेडी है जिसको राउंड फेस, मून फेस, सेंट्रल ट्रंकल ओबेसिटी, ओके,
ये आपको देखने को मिल रही है, फैट और नेक एब्डोमन है, हिरसुटिज्म है और ACTH का लेवल ज़्यादा है, तो ये कुशिंग डिजीज होती है, कुशिंग सिंड्रोम इन ओल्ड लेडी। तो क्या फीचर होगा, तीन फीचर आपको बताया, ऑस्टियोपोरोसिस, स्ट्राया, तीन स्पेसिफिक होते हैं, ब्रूजिंग, स्ट्राया, प्रोक्सिमल मायोपैथी। क्लियर, ये इसको सिंपल ओबेसिटी से डिफ्रेंशिएट करती होती है। एक फीमेल है जिसको वेट गेन है, राउंड मून फेस है, एब्डोमिनल ओबेसिटी है विद स्ट्राया है, तो डायग्नोस हमारा क्या है, कुशिंग सिंड्रोम है। कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है और कोर्टिसोल कहाँ से आता है, प्रोजेस्टेरोन से आता है। एक पेशेंट है जिसको कुशिंग डिजीज है और ACTH का लेवल ज़्यादा है, तो ACTH का लेवल कहाँ पे ज़्यादा होगा, वीनस ब्लड में होगा। एक बात रटा मारना कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, ये अपनी सिक्रेशन सीधा ब्लड में डालते हैं, खासतौर पर वीनस ब्लड में डालते हैं। तो आपने इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस, इसमें आपने ब्लड लेवल्स को चेक करना है, ACTH के लेवल को चेक करना है, जो कि आपको एलिवेटेड मिलेगा। एक पेशेंट जिसको न्यूट्रोफिल कम है, न्यूट्रोफिल कम है, लिम्फोसाइट ज़्यादा है और इओसिनोफिल्स है, बिल्कुल ओपोजिट बताया हुआ है। जो कोर्टिसोल होता है वो इओसिनोफिल को कम करता है, लिम्फोसाइट को कम करता है और न्यूट्रोफिल को बढ़ा देता है। उसको उलट कर दूँ तो ये एडिसन डिजीज बन जाएगा, जिसमें ACTH का लेवल ज़्यादा होता है। क्लियर, इसके बाद एक लेडी है जिसको वेट लॉस है, लेथार्जी है, पाल्पिटेशन है, ओके, वेट लॉस, लेथार्जी, पाल्पिटेशन फॉर लास्ट 6 मंथ है, वेट लॉस हो रहा है, ओके, लेथार्जी, एनर्जी का फुकदान है, डैट मीन्स एडिशन हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया है और हाइपरकेलीमिया है, डैट मीन्स एल्डोस्टेरोन कम है, तो ये एडिशन डिजीज होता है। एक लेडी जिसको माइल्ड सोर थ्रोट का इन्फेक्शन है और उसके उसकी वजह से डेथ हो गई है, ओके, यानी उसको सोर थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ और डेथ हो गई है, और जब ऑटोप्सी की गई तो एड्रीनल ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हुई और इसका हैमरेज आ गया, तो ये वाटर हाउस फ्रेड्रिशन सिंड्रोम होता है डायग्नोस, जिसको एक्यूट एड्रीनल इंसफिशेंसी कहते हैं, और ये निजेरिया मेनिनजाइटिस की वजह से होता है, मेनिनजोकोक्सीमिया की वजह से होता है। तो मेनिनजोकोक्सीमिया की वजह से सेप्टिक शॉक होता है, एक्यूट एड्रीनल इंसफिशेंसी होती है, बायलैटरल एड्रीनल हैमरेज होता है, वाटर हाउस फ्रेड्रिशन सिंड्रोम होता है। एक फीमेल जिसकी पीएच 7.5 है, 7.5 ब्लड की पीएच होना इसका क्या मतलब होता है, ओके, इसका मतलब है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस का मतलब है हाइड्रोजन की सिक्रेशन ज्यादा है, हाइड्रोजन की सिक्रेशन ज्यादा होने का मतलब है एल्डोस्टिरोन का लेवल ज्यादा है, हाइपोकलीमिया यह भी एल्डोस्टिरोन की वजह से होता है, सोडियम नॉर्मल है, कॉर्टिसोल नॉर्मल है, लेकिन रेनिन का लेवल ज्यादा है, इसका मतलब है ये हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म सेकेंडरी है, क्योंकि रेनिन का लेवल ज्यादा है। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टिरोन इज रीनल आर्टरी स्टिनोसिस। रीनल आर्टरी स्टिनोसिस में क्या होगा कि रेनिन का लेवल ज्यादा होगा, फ्लैश पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। एक लेडी जिसको पीपीएच है फॉर विच शी रिसीव्स पिंट्स ऑफ ब्लड, यानी अगर पीपीएच हो, पोस्टपार्टम पिचूटरी नेक्रोसिस है, इस्कीमिया नेक्रोसिस हो गई है, वो लैक्टेट नहीं करवा पा रही, हेयर की चेंजेस है, वेट लॉस होना शुरू, वेट गेन होना शुरू हो गया है, तो ये क्या होता है, ये शीहान सिंड्रोम होता है। तो शीहान सिंड्रोम में क्या होता है, पोस्टपार्टम पिचूटरी नेक्रोसिस होती है, हाइपोपिचूटरिज्म देखने को मिलता है, और इसमें सबसे पहले आपने कोर्टिसोल को रिप्लेस करना है, फिर थायरोक्सिन को रिप्लेस करना है, फिर आपने ग्रोथ हार्मोन या प्रोलैक्टिन को रिप्लेस करना होता है। ओके, 31 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा जिसने ट्रम इन्फेंट की डिफिकल्ट डिलीवरी हुई है, ओके, और इसका ब्लड लॉस हो गया है, पीपीएच हो गया है, जब भी पीपीएच आ जाए, हाइपोटेंशन आ जाए और ACTH का लेवल कम हो गया है, मतलब हाइपोपिच्यूटरीज़म हो गया है, तो ये क्या हो गया है, पोस्टपार्टम पिच्यूटरी नेक्रोसिस हो गया है, जिसको शीहान सिंड्रोम कहते हैं, और जब ACTH का लेवल कम होगा तो एड्रीनल कॉर्टेक्स की एट्रोफी हो जाएगी, स्पेसिफिकली जोना फेसिकुलेटा की और जाना जोना रेटिकुलरिस की, जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है वो रेनिन पर डिपेंड करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से मजा आ रहा होगा, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो, वैसे काफी सारे तो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे। मिडिल एज मेल है जिसको लिथार्जी है, वो ब्लड प्रेशर देखो नॉर्मल है, ठीक है, लिथार्जी या सुस्ती है, जब आपने सोडियम कराया, सोडियम 135 से 145 होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पोटेशियम का लेवल कम हो गया है। अब पोटेशियम का लेवल कम हो गया है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पोटेशियम का लेवल कम हो गया है, ओके, तो कोई चीज़ पोटेशियम को रिअब्सॉर्ब नहीं कर पा रही, ओके, या पोटेशियम को उल्टा सिक्रेट कर रही है। बाइकार्बोनेट का लेवल, नॉर्मली बाइकार्बोनेट का लेवल क्या होता है, 24 होता है, लेकिन बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा हो गया है, ओके, डैट मीन्स कि क्या हो गया है, मेटाबोलिक एल्केलोसिस हो गया है। इन शॉर्ट के इसमें क्या मिल रहा है, पोटेशियम यूरिन में जा रहा है, प्रोटोन्स यूरिन में जा रही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली रिस्पॉन्सिबल, तो कौन सा सिंड्रोम है, दिस इज द बार्टर सिंड्रोम, ओके, कौन सा सिंड्रोम है, ये बार्टर सिंड्रोम होता है, ओके, तो ये हमने अच्छे से पढ़ना है, बार्टर सिंड्रोम।
तो इसको हम डिटेल से यहाँ पे आ जाते हैं, बाटा सिंड्रोम, लिडल सिंड्रोम, गिटलमैन सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम हमने डिस्कस करने हैं। क्लियर? ठीक हो गया। पहले तो हमने इनको डिफरेंशिएट करना है किससे, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म से, और फिर बाटर पढ़ लेंगे, गिटलमैन पढ़ लेंगे, और फिर लिडल सिंड्रोम वगैरह पढ़ लेंगे। क्लियर? तो आपको बता दूं, तो एक चीज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूं, जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, अगर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रही तो उसको बोलती है फैनकोनी सिंड्रोम। अगर लूप ऑफ हेनले रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा, लूप ऑफ हेनले पे वन सोडियम वन पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है, ये रीअब्सॉर्ब करता होता है, अगर ये रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा तो उसको बोलते हैं बार्टर सिंड्रोम। गिटलमैन सिंड्रोम यह होता है थायोजाइड वाला, मतलब जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल वाला होता है। जो बार्टर सिंड्रोम होता है बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे लूप डायुरेटिक होती है, गिटलमैन सिंड्रोम वैसे ही बिहेव करता है जैसे थायराइड डायुरेटिक होती है, और लिडल सिंड्रोम एल्डोस्टिरोन वाला मैकेनिज्म को शो करता होता है। क्लियर? अब हम इसको पढ़ लेते हैं। पहला है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म में क्या होता है, एल्डोस्टिरोन का लेवल ज्यादा होता है। एल्डोस्टिरोन क्या करेगा, एल्डोस्टिरोन क्या करेगा, सोडियम और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करा देगा, यानी जो एल्डोस्टिरोन होता है सोडियम और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करा देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसके नतीजे में रेनिन कम हो जाएगा। तो ये तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर है बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे आपका, कहने का मतलब है जो आपकी लूप डायुरेटिक काम करती है। अब लूप डायुरेटिक क्या करती होती है, ये पोटेशियम को यूरिन में एक्सक्रीट करा देती है, हाइपोक्लीमिया होता है, प्रोटोन को यूरिन में एक्सक्रीट करा देती है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस करवा देती होती है। क्लियर? और इसके अलावा ये कैल्शियम को भी यूरिन में एक्सक्रीट करा देती है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। तो जो लूप डायुरेटिक होती है या बार्टर सिंड्रोम होता है, असल में बार्टर सिंड्रोम में ना वन सोडियम वन पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर की म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बार्टर सिंड्रोम में ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हाइपोकलेमिया मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होता है। यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा जिसकी वजह से एल्डोस्टिरोन का लेवल बढ़े, जिसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा और वह सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म करा देगा। फिर है गिटलमैन सिंड्रोम। गिटलमैन सिंड्रोम में और बार्टर सिंड्रोम में क्या फर्क होता है, दोनों हाइपोक्लीमिया करवाते हैं, दोनों मेटाबॉलिक एल्किलोसिस करवाते हैं, दोनों रास को एक्टिवेट करते हैं। फिर कैसे डिफरेंशिएट करना है, रट्टा मार लेना कि जो गिटलमैन सिंड्रोम है ये बिल्कुल वैसा बिहेव करता है जैसे थायराइड डायुरेटिक होती है, यानी सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देता है, इसमें डिफेक्ट आता है। तो रट्टा मारना कि जो गिटलमैन सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम की यूरिन में एक्सक्रीशन कम हो जाती है। इन शॉर्ट, अगर आपको हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल रहा है, ब्लड में कैल्शियम कम है, तो क्या हो सकता है, वो बार्टर सिंड्रोम हो सकता है या लूप डायुरेटिक इस्तेमाल किया है। और अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो वो गिटलमैन सिंड्रोम हो सकता है या थायराइड डायुरेटिक इस्तेमाल किया। क्लियर? और बाकी मैग्नीशियम कम हो जाता है गिटलमैन सिंड्रोम में। और लास्ट में लिडल सिंड्रोम है। लिडल सिंड्रोम में यह होता है कि जिस चैनल पे एल्डोस्टिरोन ने काम करना होता है वो चैनल एक्टिवेट हो जाता है, खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन हो जाती है, वो चैनल हमेशा के लिए एक्टिवेट हो जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ एल्डोस्टिरोन, जिसकी वजह से वो चैनल क्या करता है, सोडियम को वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, रेनिन कम होगा, एल्डोस्टिरोन कम हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है, मजा आया होगा आपको सुन के। 26 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट विद हाइपर टेंशन और वीकनेस। हाइपर टेंशन है और वीकनेस हुई भी है। वीकनेस क्या इंडिकेट करती है, कोई पोटेशियम का मसला है, खासतौर पर पोटेशियम कम है। अब देखो पोटेशियम कम है और हाइपर टेंशन है तो इसका मतलब क्या है, कौन सिंड्रोम है। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता, पोटेशियम कम होता, तो आपने कहाँ पर जाना था, आपने बार्टर या गिटलमैन सिंड्रोम में जाना था। 12 साल का बॉय है, इज बींग इन्वेस्टिगेटेड फॉर फटीक। ठीक हो गया, बींग इन्वेस्टिगेटेड फॉर फटीक, तो फटीक है उसको, इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बार्टर या गिटलमैन सिंड्रोम हो सकता है, सोडियम का लेवल नॉर्मल है लेकिन पोटेशियम कम हो गया है, 3.5 से लेकर 5 होता है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बार्टर या गिटलमैन सिंड्रोम में से कोई एक हो सकता है। हाइपोकलीमिया विद नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो ये किसमें देखने को मिलता है, बार्टर सिंड्रोम या गिटलमैन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है, हेडेक है, पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया है। ठीक हो गया, पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया। पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया क्या इंडिकेट करता है, कि एडीएच को इनहिबिट हुआ हुआ है। एडीएच क्या हुआ हुआ है, इनहिबिट हुआ हुआ है। ठीक हो गया।
और हाइपरटेंशन है, पोटेशियम का लेवल कम हो गया है, सोडियम ज़्यादा हो गया है, ओके, पीएच भी ज़्यादा हो गया है। इन शॉर्ट ये क्या होता है, प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म होता है, यानी जो एल्डोस्टेरोन होता है वो ईडीएच को इनहिबिट कर देता होता है। एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है और हाइपोकलीमिया है, तो उसका मतलब है दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाइपरटेंशन और हाइपोकलीमिया, या तो हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म है या लिडल सिंड्रोम है। दोनों को डिफ्रेंशिएट कराने के लिए एलडीएच के लेवल, एल्डोस्टेरोन के लेवल कराने होते हैं। अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है तो हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म कौन सिंड्रोम है, अगर एल्डोस्टेरोन कम है तो वो लिडल सिंड्रोम होता है। एक पेशेंट जिसको मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है, हाइपोकलीमिया है, लेकिन नॉर्मल बीपी है, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? ओके, बार्टर या गिटलमैन सिंड्रोम, इन दोनों में से कोई एक आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर, ऑलमोस्ट हम आगे चलते हैं, समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद फोलिकुलर कैंसर ऑफ थायराइड, थायराइड का जो फोलिकुलर कैंसर है इसमें कैप्सुलर और वास्कुलर इन्वेजन होती है। रट्टा मार्लेना थायराइड के चार कैंसर होते हैं, पैपिलरी, फोलिकुलर, मेडुलरी, एनाप्लास्टिक। सबके लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस एफएनएससी होती है, लेकिन एफएनएससी फोलिकुलर कैंसर को डायग्नोस नहीं कर सकती, एफएनएससी फोलिकुलर कैंसर और एडिनोमा को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। इसके लिए आपने बायोप्सी करानी है जिसमें आपको कैप्सुलर और वास्कुलर इन्वेजन देखने को मिलेगी। क्लियर, सही हो गया। तो अब हम आ जाते हैं थायरॉयड के कैंसर पढ़ लेते हैं। पहला है पैपिलरी, इसके कुछ पीज रट्टा मारने हैं। पैपिलरी पॉपुलर होता है, मोस्ट कॉमन यही होता है। पाल्पेबल लिम्फ नोड, डैट मीन्स ये लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है। लिम्फैटिक मेटास्टेसिस होती है पोस्ट रेडिएशन, रेडिएशन के एक्सपोजर के बाद होता है, और इसका प्रोग्नोसिस सबसे अच्छा होता है। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, पोपिंग आई, आंखें फटी की फटी रह जाती है, ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और सेमोमा बॉडी देखने को मिलती है। सेमोमा बॉडी किन किन में देखने को मिलती है, रट्टा मार लो, पैपिलरी कैंसर ऑफ थायराइड, सीरस, सिस्ट एडिनोमा ऑफ ओवरी, सेमो, और इसके अलावा मीजोथिलियोमा और मेनेंजियोमा, इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद फोलिकुलर कैंसर है, फोलिकुलर कैंसर में एफ रट्टा मारनी है कि इसमें यूनिफॉर्म फॉलिकल्स होते हैं, फार अवे मेटास्टेसिस होता है, मतलब ये ब्लड के जरिए मेटास्टेसिस होता है, कैप्सूल और वास्कुलर इन्वेजन होती है। क्लियर, और आपने इसको एफएनएससी से डायग्नोस नहीं कर सकते। इसके बाद मेडुलरी कैंसर होता है, कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूक्लेजिया 2A2B से एसोसिएटेड होता है, कैल्सिटोनिन इसका ट्यूमर मार्कर होता है, और कैल्सिटोनिन कैल्शियम को कम कर देता है। इसके बाद एनाप्लास्टिक होता है, बूढ़े इंडिविजुअल में होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है। अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग कैंसर कौन सा है, मेडुलरी कैंसर होता है। मेडुलरी कैंसर ऑफ थायराइड पैराफोलिकुलर या सी सेल से निकलता है, MEN2A MEN2B सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है, गुड प्रोग्नोसिस पैपिलरी का होता है, मोस्ट कॉमन यही होता है, पैपिलरी कैंसर विद नो फैमिली हिस्ट्री। तो पैपिलरी कैंसर का जो रिस्क फैक्टर होता है वो रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से होता है। जो लिम्फोमा होता है वो आपको हाशिमोटो की वजह से देखने को मिलता है, ओके, जो एनाप्लास्टिक होता है वो P53 म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है, फोलिकुलर वाला मल्टी नोड्यूलर गोइटर की वजह से देखने को मिलता है। एक फीमेल है जिसको फर्म मैस है 2 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द मिड लाइन, और जब थायराइड स्कैन किया तो कोल्ड नोड्यूल मिला और लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिली, तो ये पैपिलरी कैंसर में देखने को मिलती है। स्लोवेस्ट ग्रोइंग थायराइड कैंसर, सबसे स्लोवेस्ट कौन सा होता है, पैपिलरी कैंसर होता है, ओके, ठीक हो गया, गुड प्रोग्नोसिस होता है इसका। फोलिकुलर कैंसर हिमाटोजिनस सपरेट से फैलता होता है, कैप्सुलर और वास्कुलर इन्वेजन करता होता है। स्लो ग्रोइंग थायराइड ट्यूमर कौन सा होता है, पैपिलरी ट्यूमर होता है। थायरोग्लोबुलिन फोलिकुलर सेल से सिंथिसाइज होता है। क्लियर, थायराइड हार्मोन फोलिकुलर सेल से प्रोड्यूस होते हैं, कैल्सिटोनिन किस डिजीज में देते हैं, पेजेट डिजीज में देते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद कैल्सिटोनिन कौन सी मैलिग्नेंसी में रिलीज होता है, मेडुलरी कैंसर ऑफ थायराइड में रिलीज होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कितना रह गया एंडोक्राइनोलॉजी वाला सेक्शन, तो बहुत सारा एंडोक्राइनोलॉजी वाला। आई थिंक आई शुड हैव शुड अपलोड, मुझे इसका पार्ट टू भी अपलोड करना पड़ेगा, ये थायराइड वाला टॉपिक जा रहा है सारा, तो रिमेनिंग थायराइड वाला पोर्शन हम नेक्स्ट पार्ट टू में अपलोड कर देंगे, ठीक हो गया।